कहावत है कि यहाँ पे जो वसुधारा फॉल का जो पानी है उन्हीं के फेस पे पड़ता है जिन्होंने कि अपने जीवन में पाप न किया हो। अभी हम भी पूरा पानी के नीचे आ चुके हैं और अब हम बिल्कुल भी पापी नहीं है। मैं भी पूरा भीग गया। जितना भी व्हाइट इधर दिख रहा आप लोगों को, ये पूरे कबूतर के पंख है। कबूतर है क्या सारे? आराम से। यह गुफा वसुधारा के ऊपर का ही ठीक गुफा है जो यहाँ दिव्य महापुरुष अदृश्य रूप में यहाँ तप करते हैं। और ये आप गुफा देख सकते हैं, यह गुफा बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ डेंजरस है, ये चढ़ने लग गई। जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है, मस्त है। और फिर से एक मस्त सा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है सीधे बद्रीनाथ बद्रीपुरी से, बैकुंठ धाम से। तो आज क्या है कि आज हम लोग एक छोटा सा ट्रिप करने वाले हैं यहाँ से वसुधारा। नितेश भाई, मैं, कौशल भाई, एक भाई और था हमारे साथ नितेश भाई, लेकिन नितेश भाई अभी आ नहीं पा रहे क्योंकि नितेश भाई का थोड़ा अर्जेंट काम पड़ चुका है। नितेश भाई ने बोला अभी था कि जब तुम वसुधारा जाओगे तो हमको भी बोलना। तो नितेश भाई, कष्ट के लिए खेद है, जरूर एक दिन साथ में जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी हम तीन जाने वाले हैं प्रॉब्लम में। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लोगों से स्कूटी का जुगाड़ करके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी ये देखो, अब हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ से। अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे माणा, 3 किलोमीटर स्कूटी से जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों का होने वाला है। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे जो 5 पांडव है और जो उनके साथ जो कुत्ता जो स्वर्ग की ओर निकले थे, तो उन सब का यहाँ पे स्टैचू बन रहा है। एक यहाँ पे बन चुका है, एक इसके जस्ट बगल पे, 2, 3, 4, 5, मतलब जो भी भीमपुल से आगे स्वर्ग की ओर निकले थे उन सभी की यहाँ पे स्मृतियाँ, उन सभी का यहाँ पे जो स्टैचू है वो बन रहा है। तो देखेंगे कब तक ये बनेगा। छोटी सी यात्रा में दोस्तों एक छोटा सा टेक लिया है, छोटा सा रेस्ट लिया है, दरअसल थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें भी ला रखे हैं। खाना पीने का यहाँ दिखाना, चीजें दिखाना। इतनी छोटी यात्रा, इतना छोटा ट्रैक, और खाने के लिए यहाँ देखो, ये देखो, आज दिन भर की सुबह से जितनी भी कमाई कर रखी थी लोंडो ने सारा खाने पीने में उड़ा दिया। दरअसल क्या है कि आज हमारा गाइड दुर्गेश भाई है, हमने जो पूरा बजट है वो दुर्गेश भाई पे जमा कर रखा। अब कमरे पे जाने तक, बद्रीनाथ जाने तक जितना भी खर्च होगा उसका जो भुगतान करेगा वो ये भाई करेगा। थोड़ा बहुत खाते पीते जाएंगे ऊपर जाने तक, खत्म होना चाहिए भाई। यहाँ देखो स्ट्रिंग, 6, 7, 8 स्ट्रिंग ला रखी है इन्होंने, और कुछ ये भी ला रखे, क्या क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी ड्रिंक अमूल का कुछ ला रखा है पीने वाला, और ये भी पता नहीं क्या क्या है। या तो चलो अभी थोड़ा सा एक एक स्ट्रिंग पियेंगे और चॉकलेट निकाल यार। साल में एक दिन होना चाहिए, लेज भी था, लेज कुरकुरे, बिल्कुल साल में नहीं, महीने में एक दिन होना चाहिए। महीने में कहाँ करा हमने, आज का तो पूरा दिन हम लोगों ने घूमने के लिए निकाला। इनमें कई ऐसी चीजें हैं जो ये लोग पहली बार खा रहे हैं, हम लोग पहली बार खा रहे हैं। तो दुकान से था चाचा बिल्कुल भी और चीज। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वसुधारा फॉल। अब जो दृश्य आप लोगों को दिखाने वाला है बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो ये देखो, ये देखिए, ये है वसुधारा फॉल। और वसुधारा फॉल का जो जल स्तर है वो आजकल बहुत ज़्यादा घट चुका है, बहुत कम। एक कहावत है कि यहाँ पे जो वसुधारा फॉल का जो पानी है उन्हीं के फेस पे पड़ता है जिन्होंने कि अपने जीवन में पाप न किया हो। अब देखो इतना कम पानी है, ये पानी नीचे तक आना बहुत टफ नहीं है, और आजकल जिस पे पड़ गया तो एक्चुअल में हो सकता है कि उसने पाप नहीं करा हो। अब हम जा करके देखेंगे सामने पे, अगर हम पे पड़ेगा तो हम पापी नहीं है, और नहीं पड़ा तो हम भी पापी है। और थोड़ा सा बर्फ भी दिख सकता है आप लोगों को, ये देख लो,
तो चलो अब सामने जा करके दिखाते आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं वसुधारा फॉल, और ये देखो बिल्कुल हाइट में दिखेगा आप लोगों को, पानी बहुत कम चांसेस में नीचे तक पहुंच पा रहा है। अब देखेंगे इसकी जो बूंद है वो हम पे तभी पड़ पाएगी जब हम लोग आगे तक जाएंगे वहां तक। तो चलो आज ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमने पाप किया है कि नहीं किया है, ठीक है? रेडी? ये देख लो श्रद्धालु ट्रैकर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। ये देख लो फुल इस सुंदर से दृश्य का मजा लेकर के अभी सब लोग बिल्कुल मस्त से एंजॉय कर रहे हैं इस सुंदर से दृश्य को। और ये देखो चारों तरफ जहाँ पे भी देखोगे आप लोगों को पूरी व्हाइट चादर दिखेगी बर्फ की। तो इसलिए आजकल का जो मौसम है ऐसी जगहों के लिए घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। आजकल मौसम भी खराब नहीं रहता है और जो दृश्य है वो भी बहुत बहुत चमक वाला रहता है, बहुत क्लियर मौसम। तो ये देखो बर्फ भी यहाँ पे बहुत सारी दिखेगी आप लोगों को, ये पूरी आजकल की बर्फ है, दो चार दिन पहले जो बर्फ गिरी थी तो वो वाली बर्फ है। तो चलो चलें थोड़ा और ऊपर। चलो हम तीनों में जो ऐसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा सबसे मस्त से एक्सपीरियंस करने वाला जो बंदा है वो ये है। ये देख लो आते ही इसने ऐसा लग रहा है कि इसने कभी बर्फ देखी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ वाली जगह पर ये बंदा ही रहा है। और ये देखो चल यही बार चलें हिंदी और गढ़वाली दोनों एक साथ। अब चलो हम ये बर्फ के ऊपर चल करके सीधे आगे तक जाएंगे। मेरे पैर वैसे बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। ओ कौशल यही बट आ है, कोई दिक्कत नहीं। अपने गांव में हम ऐसी जगह बहुत 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 बार जा रखे हैं, आइए तो कुछ भी नहीं है। इसका जो बर्फ है ये बहुत मुलायम है। थोड़ा और ऊपर जा पापी तो हम लोगों ने बनना है नहीं, चाहे हमको इसके ऊपर चढ़ना पड़े चट्टान पे चढ़ना पड़े, लेकिन पापी के भोगी हम नहीं बनेंगे। तो चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। वाह देखो पहाड़ी होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप लोगों को जो ये यहाँ पे लोग आ रखे टूरिस्ट आ रखे वो केवल वहां से इस दृश्य का मजा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा पहाड़ी ऐसा इस तरह के उठपटांग होने के नाते यहाँ तक सेकंडों में पहुंच चुके हैं। ये हमारी पावर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। कैसे हो भाई लोगों, कहाँ से हो आप लोग? तो देखो दोस्तों यूपी से भाई लोग इस सुंदर से दृश्य को देखने के लिए यहाँ रखे। मजा आया, जन्नत है ना? जन्नत है, कोई शक नहीं है दोस्तों। बाकी उन दोनों को देखो उधर अब फुल एंजॉय ले रहे हो भाई लोग भी। चलो थोड़ा और ऊपर चलें। चलो ठीक है हम जाके आते हैं, थोड़ा सा हम जाते रहते हैं भाई जी, हम ही तरीके हैं लोकल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा ऊपर मत जाओ, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस भाई को देखो वहाँ ऊपर, कई बार पार जाओ तो पार बट डूब जा। अभी हम भी पूरा पानी के नीचे आ चुके हैं और अब हम बिल्कुल भी पापी नहीं है, मैं भी पूरा भीग गया भाई, मजा आ गया। ये देख लो थोड़ा कैमरे पे भी पानी लग गया। बाकी दोस्तों पानी तो पड़ चुका है, पानी के छींटे तो ले लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आज YouTube पे चैनल है हमारा आराम से, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, आप लोगों को ऊपर एक छोटी सी गुफा दिख रही होगी, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं भाई लोगों की तो चलने की। हेलो, तो भाई लोग बोल रहे हैं कि वो लोग वहाँ तक नहीं आ पाएंगे, तो हमने कहा हम वीडियो बना के लाएंगे और आप लोगों को वहाँ की जो खबर है वो अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। सही बात, पता नहीं वहाँ तक अभी तक कोई गया हो नहीं गया हो, लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है हम लोगों के लिए वहाँ पे जाना, और लेकिन शायद वीडियो में तो नहीं देखोगे आप लोगों ने वो गुफा, लेकिन आज आप लोग देखने वाले हैं कैसी वो गुफा है, वो भी आप लोग देखने वाले हैं। दोस्तों लगभग नॉनस्टॉप 15 मिनट के आसपास हमको हो ही चुके हैं और कंटिन्यू पूरी जान से हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, और लगा हम 4 से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है गुफा हम लोगों की परीक्षा ले रही होगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ये गुफा ऐसी लग रही है कि और दूर जा रही होगी। अभी ऊपर देखो वो गुफा ऊपर है, दुर्गेश भाई यहाँ पर है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और कौशल भाई तो दिख ही नहीं रहा। कौशल भाई मेरे को लग रहा कहीं नीचे रुक गया। तो अभी दोनों भाई चलने में लगे हैं और हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि हमारे पास एक तिरंगा झंडा जिसको कि हम लहराने वाले हैं पूरा लास्ट ऊपर उस गुफा के पास में, इसको लहराएंगे। गौर आई जर तेज। तो फाइनली
फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग उस गुप्त गुफा में जो हम लोग नीचे से देख रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि 5 मिनट में हम उस गुफा तक पहुंच पाएंगे। उस गुफा में पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को पूरा आधा घंटे से ऊपर लग चुका है और अभी भी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये गुफा नीचे से जितनी छोटी लग रही थी यहाँ करके उतनी विशाल का ही है। ये ऊपर देखो, अब हम लोग पूरा इसके अंदर जाने वाले हैं और आवाज़ देखो क्या गजब गूंज रही है भाई इसके अंदर। ये देखो जितना भी वाइट इधर दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरे कबूतर के पंख है। कबूतर ही है क्या सारे? आराम से भाई साहब, पत्थर भी यहाँ पे ना थोड़ा हल्का फुल कटके पे, अभी मेरे से नीचे पे थोड़ा सा पत्थर गिरा, नीचे जा करके रुका। ये देख लो, ओ भाई साहब, ये लास्ट है नीचे देखो, और हम लोग यहाँ पे, ओ भाई साहब, ये ऊपर देखो, ये कबूतर, ओ भाई साहब, बहुत सारे कबूतर है लो ऊपर। लेकिन आवाज यहाँ अंदर बहुत जबरदस्त आ रही होगी, बहुत मोटी मोटी आवाज। लेकिन दोस्तों यहाँ नहीं कि आप लोग कोशिश भी मत करना है क्योंकि बहुत टफ रास्ता है, और आप लोग नीचे से इस गुफा को देखना और हमारे इस वीडियो से इस गुफा का जो भी टूर है वो कर लेना क्योंकि ये देखो सारे, क्योंकि दुर्गेश भाई ने ये चीजें देखी हुई है। दुर्गेश भाई को पता है कि ये बाल किसके है, तो कस्तूरी मृग जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु जिसे कहते हैं उसके बाल है। तो ऐसी रहस्यमय चीजें, ऐसी अद्भुत चीजें हम लोगों को दिख गई, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। और हम ये झंडा लगाएंगे इसके अंदर, रुके थोड़ा। तो ये देखो दोस्तों, जो अपना नेशनल फ्लैग है वो लग चुका है टॉप पे। ये कौशल भाई, बहुत गजब की चीज आपने मिस करी है, और शायद कौशल भाई का थोड़ा सा सर दर्द हो चुका था क्योंकि उसने कैप पहना हुआ था, टोपी पहनी नहीं थी, और यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ज़बरदस्त हवाएं चलती है कि जो सर दर्द है वो होना जायज़ है। तो कौशल भाई का शायद थोड़ा सर दर्द हो गया था, इसलिए कौशल भाई ने मुझसे टोपी मांगी, इसलिए कौशल भाई वहाँ से ऊपर नहीं आए। तो अभी हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, जितना टफ नीचे से ऊपर आने का रास्ता है उतना ही टफ, उससे भी ज़बरदस्त जो चैलेंजिंग वाला रास्ता है वो नीचे जाने में होने वाला है क्योंकि ये देख लो पूरा मिट्टी मिट्टी है, और अब हमको यहाँ से नीचे जाना है। देखो मैं खड़ा किस तरह से होगा, किस तरह से ग्रिप बना करके मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ और यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, पूरा दिख रहा। ये देखो अपना दुर्गेश भाई। तो चलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है, जो ये व्लॉग है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, और जो ये गुफा है, ये जो रहस्यमय ये जो गुफा है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, छोटी अमरनाथ गुफा बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, हम लोगों ने इसका नाम रखा है। और उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। सबको पता लगना चाहिए कि बद्रीनाथ में वसुधारा से ऊपर इस तरह की कोई गुफा पड़ती है। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस गुफा को फैला दो। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल, भारत माता की जय। सीताराम, यह गुफा वसुधारा के ऊपर का ही ठीक गुफा है जो यहाँ दिव्य महापुरुष अदृश्य रूप में यहाँ तप करते हैं, और ये आप गुफा देख सकते हैं। यह गुफा बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ डेंजरस है, ये चढ़ने लायक नहीं, ये कच्चा रास्ता हो, मिट्टी है खिसकने वाला, यहाँ सबका आसान नहीं है आना, बड़े भाग्य से यहाँ आने को मिला है। पहली मरतबा तो हम भी आए, और ये हमारे साथ यहाँ के लोकल भैया लोग हैं, उन्हीं के द्वारा माध्यम से हम भी साथ में आए। सीताराम सीताराम, जय बद्री विशाल, जय।